बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आपको एक ऑपरेटर नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एन असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको हम पहले भी काफी दफा इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इंटरनली किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन देखिए। एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल, यानी जब कभी भी आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो उस वैल्यू को असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। और ये इसका सिंटेक्स देखिए, लेफ्ट वैल्यू, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, देन राइट वैल्यू। दोस्तों, यहाँ लेफ्ट वैल्यू को एल वैल्यू भी कहा जाता है, और लेफ्ट वैल्यू से मुराद ये है कि जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू होगी वो कहलाएगी लेफ्ट वैल्यू, और जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर वैल्यू होगी वो कहलाएगी राइट वैल्यू या फिर आर वैल्यू। यानी दोस्तों, यहाँ जो है असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंपल काम ये होता है कि जो भी इसके राइट हैंड साइड पर वैल्यू होगी, ये उस वैल्यू को असाइन कर देगा लेफ्ट हैंड साइड पर। जैसे आप लिखते हैं इंट ए, और उसके बाद ए में इनिशियलाइज करवा देते हैं 5 को। तो यहाँ जैसे ही आप इंट ए लिखेंगे, तो कंपाइलर मेमोरी में एक ब्लॉक बना देगा ए के नाम से, और फिर जब आप लिखते हैं ए इक्वल्स टू 5, तो ये इक्वल्स टू ही दरअसल असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि इस राइट हैंड साइड वैल्यू यानी 5 को असाइन कर देगा लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू यानी ए के अंदर। इसीलिए दोस्तों, एन असाइनमेंट ऑपरेटर कॉपीज आर वैल्यू टू एल वैल्यू, यानी जो भी राइट हैंड साइड पर वैल्यू होगी, असाइनमेंट ऑपरेटर उसको कॉपी कर देगा लेफ्ट हैंड साइड पर। इसीलिए दोस्तों, हमेशा जो आपकी लेफ्ट वैल्यू होनी चाहिए वो कोई वेरिएबल होना चाहिए, जो कि राइट साइड से आने वाली वैल्यू को अपने पास रख सके, अपने पास होल्ड कर सके। क्योंकि मान ले दोस्तों, अगर लेफ्ट वैल्यू जो है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है वो कोई कांस्टेंट है इस तरह से, तो क्या आप एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट में असाइन कर सकते हैं? यानी क्या आप 10 में 5 को रख सकते हैं? नहीं। इसीलिए हमेशा लेफ्ट साइड पर कोई वेरिएबल होना चाहिए, जो कि राइट साइड से आने वाली वैल्यू को अपने पास रख सके, अपने पास कॉपी कर सके। और इसे कॉपी करने का कौन कहेगा? इसे कॉपी करने का कहेगा ये असाइनमेंट ऑपरेटर। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई कि लेफ्ट साइड पर हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल ही होगा, लेकिन राइट साइड पर क्या होना चाहिए? दोस्तों, राइट साइड के लिए आपके पास 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। राइट साइड पर आप कोई कांस्टेंट भी रख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं a इक्वल्स टू 5, तो यहाँ 5 एक कांस्टेंट है जो कि हम कॉपी कर रहे हैं a में, यानी 5 असाइन करेंगे हम a को। तो दोस्तों, ये तो पहला सिनेरियो हो गया जिसके अंदर आप लेफ्ट वैल्यू के अंदर, जो कि कोई वेरिएबल ही हो सकती है, उसके अंदर आप एक कांस्टेंट को असाइन कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा सिनेरियो है वो ये है कि राइट वैल्यू जो है वो आपकी कोई वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे आप 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए और बी के नाम से, और उसके बाद आप बी में एक वैल्यू असाइन करते हैं 5 को। तो अब आप इस ए को, यानी जो कि लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है, इसको वेरिएबल बी भी असाइन कर सकते हैं। अब होगा क्या, जो भी वेरिएबल बी के अंदर वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी ए को। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड वैल्यू जो है वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, और राइट हैंड साइड वैल्यू कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। उसके बाद जो तीसरा सिनेरियो है वो ये है कि जो आपकी राइट हैंड साइड वैल्यू है वो कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है। जैसे मान ले, अभी हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं ए, बी और सी, और यहाँ पर हमने बी और सी को वैल्यू असाइन की है 3 और 5। अब अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो दोस्तों यहाँ राइट हैंड साइड पर हमने एक एक्सप्रेशन लिखी है, और उस एक्सप्रेशन को हमने असाइन कर दिया है ए को। अब क्या होगा, पहले कंपाइलर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो असाइन करेगा ए में। जैसे यहाँ बी प्लस सी करने पर रिजल्ट आएगा 7, तो जो आपका कंपाइलर है वो 7 को असाइन कर देगा ए में। और दोस्तों, यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसकी प्रायोरिटी सबसे लो होती है।
यानी सिवाय एक कॉमा ऑपरेटर के जितने भी ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं उनमें सबसे लो प्रायोरिटी जो होती है वो असाइनमेंट ऑपरेटर की होती है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने पहले बी प्लस सी किया है क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी लो है और प्लस की प्रायोरिटी हाई है, तो हमने पहले बी प्लस सी किया है और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को असाइन किया है ए को। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आपकी लेफ्ट वैल्यू होगी अगर आप इन तमाम सिनेरियोज में देखें तो लेफ्ट वैल्यू हमेशा आपकी वेरिएबल ही है, लेकिन राइट वैल्यू आपकी कोई कांस्टेंट भी हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकती है और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है। आइए अब इन तमाम सिनेरियोज को हम बारी बारी प्रोग्रामेटिकली देखें। दोस्तों अभी हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम राइट हैंड साइड वैल्यू को पहले कॉन्स्टेंट, फिर वेरिएबल और फिर एक्सप्रेशन जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कांस्टेंट को किसी वेरिएबल में असाइन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट ए, यानी हमने एक वेरिएबल लिया है एक इंटीजर टाइप। इसके बाद हमने इस वेरिएबल में असाइन कर दिया है एक कांस्टेंट को। तो आइए देखते हैं कि क्या कांस्टेंट आप किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू तो मैंने आपको बताया है कि वो हमेशा वेरिएबल ही होगी, लेकिन क्या राइट हैंड साइड वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ये चीज ट्रू होगी विच मींस कि आपका ये जो 5 कांस्टेंट है ये असाइन हो गया है ए को, यानी अब ए के अंदर ये वैल्यू 5 आ चुकी है। तो आइए इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या ए के अंदर 5 वैल्यू आ चुकी है। हम सबसे पहले परसेंट डी के तहत इसको प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और वेरिएबल नेम दे देंगे जिसकी वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना है। अब दोस्तों हम इसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और याद रखिए इसको सेव करते वक्त आपको डॉट सी की एक्सटेंशन जरूर लिखनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसको कंपाइल और रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए में जो है वो वैल्यू 5 यानी कांस्टेंट 5 असाइन है। दोस्तों कांस्टेंट के बाद जो दूसरा हमारे पास सिनेरियो है लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू के लिए वो है वेरिएबल, यानी आप असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए उस वेरिएबल की वैल्यू आपने पहले से कहीं ना कहीं असाइन की भी हो। जैसे मान ले हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए हैं इंट बी कॉमा सी और सी में हमने वैल्यू असाइन कर दी है 6। अब दोस्तों इस 6 को, इस सी को जो कि एक वेरिएबल है, हम असाइन करने जा रहे हैं बी को, यानी हम यहाँ लिखेंगे बी इक्वल्स टू सी। तो अब सी में जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी बी के अंदर, विच मींस के आप राइट हैंड साइड पर कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि उस वेरिएबल को आपने पहले से असाइन किया हुआ हो। अब हम इसको प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ के फंक्शन से, हमने यहाँ पर लिखा परसेंट डी और जिस वेरिएबल की वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना है हमने यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिख दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर बी की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हमने यहाँ पर लिख दिया है बी और यहाँ पर हमने आखिर में लगा दिया सेमीकॉलन। इसके बाद हमने कंट्रोल एस किया। तो दोस्तों अब आप रिजल्ट के तौर पर देख सकते हैं कि आपके रिजल्ट में आया है 6, विच मींस बी के अंदर अब वैल्यू आ गई है 6 जो कि सी की वैल्यू थी। और दोस्तों याद रखिए जब कभी भी आप इस तरह की स्टेटमेंट लिखते हैं, आप असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कोई वेरिएबल देखते हैं, तो अब आपके असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो गई है। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू आप बाद में चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बी की वैल्यू भी चेंज होगी। जैसे अभी हमने यहाँ पर वैल्यू को 6 के बजाय 8 कर दिया, जब हम इसको कंट्रोल एस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है 8 आ गया है बी के अंदर भी, यानी यहाँ पर बी जो है वो डिपेंडेंट हो गया है सी पर। तो दोस्तों इस तरह से आप राइट हैंड साइड पर कोई वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड सिनेरियो है वो ये है कि आप राइट हैंड साइड पर कोई एक्सप्रेशन भी असाइन कर सकते हैं, और एक्सप्रेशन से मुराद एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम ऑपरेटर और ऑपरेंड्स एक साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और वाई और जेड के अंदर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 2 और 3। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल लेंगे एक्स, उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और राइट हैंड साइड पर हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि होगी वाई प्लस जेड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पर एक वेरिएबल रखा है असाइनमेंट ऑपरेटर के और राइट हैंड साइड पर एक एक्सप्रेशन लिखी है।
अब क्या होगा, कंपाइलर पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस की प्रायोरिटी हाई है और इक्वल्स टू की और असाइनमेंट ऑपरेटर की लो। यहाँ पर पहले इसको कंपाइल करेगा, इसका रिजल्ट एवेलुएट करेगा और उस रिजल्ट को असाइन कर देगा एक्स में। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, परसेंट डी लिखेंगे इस फॉर्मेट स्पेसिफाई, क्योंकि हमारे तमाम वेरिएबल्स इंटीजर हैं और जिस वेरिएबल की वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना है उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे। और दोस्तों अब यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए y प्लस z, यानी 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। अब ये 5 जो है वो इस x में असाइन हो जाएगा, तो x के अंदर वैल्यू आ गई है 5। तो देखते हैं कि क्या ऐसा ही हमारा कंपाइलर भी करता है। दोस्तों यहाँ पर हम कंट्रोल s करेंगे, कंट्रोल s करने के बाद इसको हम कंपाइल और रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा थर्ड सिनेरियो है उसका रिजल्ट आया है 5। तो दोस्तों ये वो तमाम सिनेरियोस थे जो कि आप राइट हैंड साइड वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, उसको कोई कांस्टेंट भी ले सकते हैं, कोई वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं और कोई एक्सप्रेशन भी आप राइट हैंड साइड पर लिख सकते हैं। दोस्तों अभी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा और वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जिनमें एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा होगा, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस। और डियर फ्रेंड्स अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या एक स्टेटमेंट में मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी यूज हो सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स जी हाँ, एक स्टेटमेंट में मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और इस तरह की स्टेटमेंट्स को कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम दिया जाता है। जैसे ये देखिए, हमने एक एक्सप्रेशन लिखी है, एक स्टेटमेंट लिखी है इंट ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू डी एंड डी इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट में हमने तमाम वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन की है मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू। और कंपाइलर इसको किस तरह से कंपाइल करेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट ऑपरेटर में हमेशा राइट वैल्यू लेफ्ट वैल्यू को असाइन होती है, तो इसीलिए यहाँ भी पहले 1 असाइन होगा d में, उसके बाद d असाइन होगा c में, देन c असाइन होगा b में और फाइनली b असाइन होगा a में। इस तरह राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी के थ्रू यहाँ पर भी जो तमाम असाइनमेंट्स हैं, जो तमाम नंबर्स हैं वो असाइन होंगे राइट टू लेफ्ट। यानी पहले यहाँ पर 1 जो है वो राइट में था, इसलिए 1 असाइन हुआ लेफ्ट वैल्यू को, उसके बाद d जो है वो राइट में था तो d असाइन हुआ लेफ्ट को, और इसी तरीके से तमाम वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स को असाइन हुए हैं। दोस्तों ये इसकी एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है i और एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया है f, और दोनों में हमने एक ही वैल्यू असाइन कर दी है विच इज 3.5। अब डियर फ्रेंड्स क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी पर काम करता है, इसीलिए पहले ये वैल्यू 3.5 असाइन होगी i में, लेकिन i क्या है, एक इंटीजर है, तो इसीलिए यहाँ 3.5 का जो 0.5 है वो ट्रंकेट हो जाएगा और i के अंदर स्टोर होगा सिर्फ और सिर्फ 3। अब i क्योंकि असाइन है f को, तो जो भी i के अंदर वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी f को, तो f के अंदर अब वैल्यू आएगी 3। लेकिन दोस्तों अगर हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख दें i equals to f equals to 3.5, अब f में असाइन होगी वैल्यू 3.5, यानी f में वैल्यू आ जाएगी 3.5, फिर f असाइन होगा i को, तो अब i एक इंटीजर है, इसीलिए अब i के अंदर 3.5 नहीं आएगा बल्कि i के अंदर सिर्फ स्टोर होगा 3 और बाकी का जो 0.5 है वो ट्रंकेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपने एक कंपाउंड स्टेटमेंट में मल्टीपल अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल यूज किए हैं तो रिजल्ट में आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो आपने तमाम वेरिएबल को असाइन की थी। जैसे यहाँ पर आप देखें तो i के अंदर कुछ और वैल्यू आई है और f के अंदर कुछ और वैल्यू आई है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी f के अंदर वैल्यू आई है 3.5 जबकि i के अंदर वैल्यू आई है 3। किस वजह से, क्योंकि इन दोनों वेरिएबल्स की डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट थी। अगर यहाँ पर इन दोनों की डेटा टाइप सेम होती तो वैल्यूज भी यहाँ पर इन दोनों में सेम ही असाइन होती। तो डिफरेंस ये हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ये तमाम थी कंपाउंड स्टेटमेंट्स जिनमें एक ही वैल्यू हम मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर रहे थे और इन तमाम मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर रहे थे हम मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू। और ये देखिए
कंपाउंड असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस इज यूज्ड टू असाइन सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी जो बातें अभी हमने की हैं वो आपको इस स्टेटमेंट में भी समझ आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है वो कहलाता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। दोस्तों ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जब कभी भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर के बिल्कुल साथ कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं तो अब इस तरह के ऑपरेटर को कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। और ये इसका सिंटैक्स देखिए दोस्तों, यहाँ पर एल वैल्यू आर वैल्यू और असाइनमेंट ऑपरेटर तो वैसे ही लिखे गए हैं जैसे कि हमने असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस में देखे थे। बस असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले कोई भी अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेटर लिख देते हैं जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर मॉड्यूलस लगा देते हैं तो अब ये दोनों ऑपरेटर मिलकर कहलाएंगे कंपाउंड ऑपरेटर। क्योंकि दोस्तों जब कभी भी एक से ज्यादा ऑपरेटर एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनको कंपाउंड ऑपरेटर कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जिसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर एक साथ लिखा गया होगा बिना स्पेस के, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स को कंपाइंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स भी कहा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये कुछ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखिए, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्लस का अरिथमेटिक ऑपरेटर है, उसके साथ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है। इस तरीके से माइनस और उसके साथ भी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस, और यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर एक चीज कॉन्स्टेंट है विच इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो दोस्तों ये जो आपको ऑपरेटर नजर आ रहा है कंपाउंड ऑपरेटर, ये कब यूज किया जाता है? जैसे मान ले आपने एक लाइन लिखी है इंट ए, यानी आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए के नाम से और उस वेरिएबल में आपने इनिशियलाइज करवाई है वैल्यू 5। अब दोस्तों आपने एक एक्सप्रेशन लिखी है ए इक्वल्स टू ए प्लस 5, यानी अब ए में पहले से 5 मौजूद है, फिर आपने उस 5 में मजीद जो है एक और 5 को ऐड किया तो अब ए जो है वो बन गया है 10, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ से ये 5 आ गया, 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10। अब दोस्तों इस सेम एक्सप्रेशन को, इस सेम स्टेटमेंट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। आप इसी तरीके से ए को हमने डिक्लेयर किया, उसके बाद ए में एक वैल्यू असाइन की और फिर हमने लिखा है ए प्लस इक्वल्स टू 5। यहाँ क्योंकि प्लस की प्रायोरिटी हाई है इसीलिए ये बिल्कुल पहली वाली स्टेटमेंट ए इक्वल्स टू ए प्लस 5 की तरह ही काम करेगा। इसी तरह इसकी एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं एक्स और वाई और दोनों ही को हमने वैल्यू असाइन कर दी है 2। इसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन लिखी है एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, सॉरी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स के अंदर पहले से 2 मौजूद है, अब वो 2 ऐड हो जाएगा वाई के अंदर, वाई में भी 2 मौजूद है तो रिजल्ट आएगा 4। अब एक्स के अंदर 2 के बजाय जो वैल्यू है वो आ गई है 4। अब दोस्तों इसी पूरी स्टेटमेंट को आप कंपाउंड स्टेटमेंट के थ्रू भी लिख सकते हैं इस तरीके से। आप यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस इक्वल्स टू y। तो डियर फ्रेंड्स, यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कब इस कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करना चाहिए, तो जब कभी भी लेफ्ट साइड और राइट साइड पर सेम वेरिएबल यूज हो रहे होंगे तो आप तब कंपाउंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर भी और जो अभी हमने एग्जाम्पल देखी एक्स वाई वाली एग्जाम्पल, उसमें भी यहाँ पर बोथ साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए आपको नजर आ रहा था। तो जब कभी भी लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर आपको सेम वेरिएबल नजर आ रहा होगा तो आप उसको कंपाउंड ऑपरेटर के थ्रू भी लिख सकते हैं, यानी इस प्लस और इक्वल टू को आप एक साथ लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर भी लेफ्ट वेरिएबल और राइट वेरिएबल विच इज एक्स, ये दोनों सेम है तो हमने इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू लिख दिया एक्स प्लस इक्वल्स टू वाई, जो कि इसी के बराबर है। यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल अगर आप इसको खोलेंगे तो यही एक्सप्रेशन बनेगी। इसी तरह दोस्तों अगर आप इन तमाम ऑपरेटर्स को देखें तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है कि अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ मल्टीप्लाई वाले में कि यहाँ पर भी बोथ वेरिएबल सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पर आपको ए नजर आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू बी। इसी तरीके से अगर बोथ साइड पर ए यहाँ पर भी सेम है तो आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं कि ए डिवाइडेड बाय उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर देन बी।
और यहाँ पर इसकी अगर आप प्रायोरिटी देखें तो पहले ये डिवाइड होगा उसके बाद असाइन होगा, यानी जिस तरह यहाँ पर पहले डिवीजन होगी उसके बाद असाइनमेंट होगी, यहाँ पर भी पहले डिवीजन होगी और उसके बाद ही असाइनमेंट होगी। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर का फायदा क्या है। तो इसका जो सबसे पहला फायदा है वो ये है कि इन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप अपने प्रोग्राम में इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं और उसी प्रोग्राम में आप इस तरह की स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो कंपाइलर इस स्टेटमेंट को तेजी के साथ कंपाइल करेगा बनिस्बत इस स्टेटमेंट के। और आमतौर पर ये स्टेटमेंट आप देखें तो इसको पढ़ना भी इसको लिखना भी जो है वो मुश्किल है और इसको पढ़ना भी मुश्किल है, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना भी आसान है और इनको लिखना भी आसान है। तो ये इसके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के कुछ फायदे हैं। अब आइए इसको प्रोग्रामेटिकल। दोस्तों यहाँ हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के ए और बी। अब हम अपना पहला कंपाउंड ऑपरेटर इनके ऊपर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमने लिखा है ए प्लस इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू एक कंपाउंड ऑपरेटर है। इसके बाद हमने जो दूसरी स्टेटमेंट लिखी है वो लिखी है ए माइनस इक्वल्स टू बी। इसके बाद जो तीसरी स्टेटमेंट है वो है ए मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू बी और इसी तरीके से डिवाइड इक्वल्स टू बी। अब आइए हम इसको रन करके देखते हैं कि इनका रिजल्ट क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम ए प्लस इक्वल्स टू बी को रन करेंगे तो इसका रिजल्ट आना चाहिए, यानी अगर हम इस एक्सप्रेशन को खोलें तो ये कुछ इस तरह से बनेगी ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, और जब हम ए प्लस बी को एवेलुएट करेंगे तो इसका रिजल्ट आने वाला है 6। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या आपका जो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट यही आता है। हम इसको कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर हम इसको रन करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि a प्लस इक्वल्स टू b का जो रिजल्ट आ रहा है वो आया है 6। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारी वो है a माइनस इक्वल्स टू b। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, यहाँ पर भी आ रहा होगा a इक्वल्स टू a माइनस b, और जब हम a माइनस b करेंगे यानी 4 माइनस 2 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2। अब आइए देखते हैं कि क्या यही रिजल्ट आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये रिजल्ट नहीं आ रहा, यानी जब आप 4 माइनस 2 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2, लेकिन यहाँ पर आपको रिजल्ट आ रहा है a माइनस इक्वल्स टू b करने पर 4। तो दोस्तों यहाँ पर ये सवाल उठता है कि यहाँ पर ये रिजल्ट क्यों इस तरह से आ रहा है। तो याद रखिए यहाँ पर हमने a के अंदर वैल्यू असाइन की थी a प्लस बी, सबसे पहले हमने a के अंदर वैल्यू असाइन की थी 4। उसके बाद जब हमने इसके अंदर ये एक्सप्रेशन लगाई यानी a इक्वल्स टू a प्लस बी किया, तो यहाँ पर अब a में वो वैल्यू आएगी, अब जो a के अंदर ये वैल्यू रिमूव हो चुकी है और नई वैल्यू आ गई है 6। तो अब जो ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी ये a के अंदर 6 को लेकर के चलेंगे तो ही यहाँ पर ये वैल्यू सॉल्व होगी। तो यहाँ पर 6 माइनस 4 किया जाएगा, 6 माइनस 2 किया जाएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा 4। इसीलिए यहाँ पर आप रिजल्ट देखिए तो आपको रिजल्ट मिलता है 4। इसी तरीके से अब हमारे पास a के अंदर वैल्यू आ गई है 4। अब जब हम उस 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे b से, अगर हम इस एक्सप्रेशन को खोलें तो इस तरह से बनेगी a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b। a के अंदर अभी हमारे पास 4 है और जब हम 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो रिजल्ट आएगा a। ये देखिए क्या हमारे पास a ही रिजल्ट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है a। अब आपके पास a के अंदर एक नई वैल्यू आ गई है विच इज a। अब हम लास्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं a डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू b, जो कि बराबर है a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b। तो a के अंदर हमारे पास 8 था और b के अंदर 2, और जब हम 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये फुली डिवाइडेड हो जाएगा और रिजल्ट आपको मिलेगा 4। दोस्तों देखिए क्या यही हमारा रिजल्ट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों a divided by equals to b जो है वो बराबर है 4 को। तो इस तरीके से आप कंपाउंड ऑपरेटर्स को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो आपने तमाम स्टेटमेंट्स देखी हैं इनके अंदर ये वाली स्टेटमेंट जिसके अंदर कंपाउंड ऑपरेटर यूज किया गया है और ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कंपाउंड ऑपरेटर यूज नहीं किया गया, दोनों सेम थी और दोनों का रिजल्ट भी सेम आ रहा था। लेकिन कभी ऐसी भी हमारे पास सिचुएशन आती है जब हम कंपाउंड ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में यूज कर रहे होते हैं और उसी सेम एक्सप्रेशन के अंदर हम कंपाउंड ऑपरेटर यूज नहीं करते तो दोनों के रिजल्ट अलग अलग आते हैं। तो आइए हम इसकी भी एग्जांपल दें। दोस्तों यहाँ आपके सामने हमने एक वेरिएबल लिया है i
जो कि इंटीजर टाइप का है और उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन की है 4। अब हमने एक स्टेटमेंट लिखी है आई इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय 3 + 4। अब दोस्तों कंपाइलर क्या करेगा, वो इसको ऑपरेटर वाइज सॉल्व करेगा, यानी जिन ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी हाई होगी पहले उनको सॉल्व करेगा, उसके बाद जिनकी लो होगी फिर उसको सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए तो सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी है मल्टीप्लाई की, तो पहले ये जो एक्सप्रेशन है आई मल्टीप्लाई बाय 3 इसको कंपाइलर रिजोल्व करेगा। तो अगर हम आई मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा आई के अंदर मौजूद है 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 12। और इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 12 में ऐड करवाएगा 4 को। और दोस्तों इस 12 में 4 को ऐड करवाने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा विच इज 16 वो असाइन हो जाएगा इस आई के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16। अब आइए इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या हमने जो कंपाइल किया है क्या कंपाइलर भी उसी तरीके से कंपाइल कर रहा है, उसी तरीके से रिजल्ट निकाल रहा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है परसेंट डी उसके बाद कॉमा, क्योंकि हमने तमाम वैल्यूज जो हमारा रिजल्ट है वो असाइन किया है आई में, तो हम आई वेरिएबल को यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हमने सेमी कॉलन लगा दिया, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पर दोस्तों देखिए कि जो हमने रिजल्ट निकाला था 16 वही रिजल्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम एक कंपाउंड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने आई यानी यहाँ पर हमारे पास बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर हमारे पास सेम वेरिएबल नजर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर भी आई है और राइट हैंड साइड पर भी आई है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम कंपाउंड ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं और इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो उसे याद रखिए जो भी इस आई के बाद ऑपरेटर होगा वही आपको असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले लिखना है। जैसे यहाँ पर अगर हम लिख रहे थे ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए के बाद पहले तो हमने ये देखा कि दोनों साइड जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के सेम वेरिएबल यूज है, ए यहाँ पर भी मौजूद है और ए यहाँ पर भी मौजूद है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको कंपाउंड बना दें, कंपाउंड ऑपरेटर बना दें। तो कंपाउंड ऑपरेटर के लिए याद रखिएगा कि जो भी राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल के बाद ऑपरेटर होगा उसको आपको असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आई के बाद है मल्टीप्लाई, तो हम इस सेम एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 3 + 4। बिल्कुल अगर आप इसको ओपन करेंगे तो दोस्तों ये यही एक्सप्रेशन बनेगी आई इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय 3 + 4। अब दोस्तों अब जब कंपाइलर इसको देखेगा तो यहाँ पर हाई प्रेसिडेंस हाई प्रायोरिटी इस कंपाउंड ऑपरेटर की नहीं होगी। कंपाउंड ऑपरेटर की याद रखिए प्रायोरिटी लो होती है और प्लस की प्रायोरिटी हाई होती है। तो यहाँ पर ये पहले प्लस वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा। दोस्तों यहाँ पर ये इस तरह से इसको सॉल्व करेगा आई मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 3 + 4 का रिजल्ट आएगा 4, 5, 6, 7, यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा 7। अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा आई इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय 7। अब दोस्तों जब ये आई को मल्टीप्लाई करेगा 7 से, क्योंकि आई के अंदर वैल्यू है 4, जब 4 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 28। यानी यहाँ पर जो आई के पास रिजल्ट मिल रहा है आई के अंदर वो मिल रहा है 28। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें तो दोनों स्टेटमेंट्स के यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमने कंपाउंड ऑपरेटर यूज किया है और ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमने कंपाउंड ऑपरेटर यूज नहीं किया है दोनों के रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। तो इसीलिए अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कौन सा जो है मेथड यूज करना चाहिए, क्या कंपाउंड ऑपरेटर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो याद रखिए जब कभी भी आपके पास एक स्टेटमेंट में मल्टीपल हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी दोनों तरह के ऑपरेटर्स यूज हो रहे होंगे तो आप जो है वो कंपाउंड ऑपरेटर को यूज ना करें। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि आपको सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही अपने स्टेटमेंट में यूज करने हैं तो तब आप कंपाउंड ऑपरेटर्स को यूज करें। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ जिसमें हमने सीखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, कंपाउंड असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और ऑपरेटर्स व्हिच इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।